हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल धनारा भाई से मैं हूँ श्री। दोस्तों, जब भी आप किसी शॉप पर डाटा केबल लेने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कौन सी डाटा केबल लेनी चाहिए, कौन सी डाटा केबल ओरिजिनल है, कौन सी लोकल है। आइए आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कौन सी डाटा केबल आपके लिए सही रहेगी और किस तरह से आप डाटा केबल की पहचान कर सकती हैं। आपको मैं बहुत सारी डाटा केबलों के बारे में बताता हूँ। तो दे सकते हैं, ये ओप्पो की डाटा केबल है, ए MI, ए वीवो, ए रॉकटेक, देख सकते हैं बहुत सारी डाटा केबल हैं। लेकिन आप इसमें से पता कैसे करोगे कौन सी डाटा केबल ओरिजिनल है, कौन सी लोकल है? दोस्तों, मैं आपको एक मिनट ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको डाटा केबल मोबाइल में लगानी है। देख सकते हैं दोस्तों, आप गौर से देख सकते हैं, ये है ओप्पो की डाटा केबल, लेकिन ये ओरिजिनल डाटा केबल नहीं है। आप बोलोगे आपने कैसे पहचान की है? दोस्तों, जब भी आप किसी मोबाइल में डाटा केबल लगाओगे तो लोकल डाटा केबल लगाने पर मोबाइल और डाटा केबल के बीच में गैप रहता है। देख सकते हैं दोस्तों, आप गैप दिख रहा है। दोस्तों, जब आप ओरिजिनल डाटा केबल मोबाइल में लगाओगे तो आपके मोबाइल में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी लोकली डाटा केबल है। अब दोस्तों लगाते हैं ओरिजिनल डाटा केबल। तो जब भी आप मोबाइल में ओरिजिनल डाटा केबल लगाएंगे तो देख सकते हैं ओरिजिनल डाटा केबल में बिल्कुल भी गैप नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान डाटा केबल की यही है, ओरिजिनल डाटा केबल और मोबाइल में जब भी आप कनेक्ट करोगे तो बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा। और दोस्तों, अगर आप लोकल डाटा केबल लगाओगे तो उसमें गैप आपको नज़र आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये है लोकल डाटा केबल, इसमें बहुत सारा गैप है और ओरिजिनल डाटा केबल में आपको बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा। और दूसरी खास बात क्या होती है दोस्तों डाटा केबल की, जो ओरिजिनल डाटा केबल में जो सिंबल रहता है दोस्तों, वो थोड़ा डार्क रहता है